बात करेंगे मनीषा कोइराला के एक ट्वीट की जिस पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। दरअसल मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं और उन्होंने मानचित्र विवाद को लेकर के अपने ट्वीट में नेपाल का समर्थन किया, साथ ही भारत के साथ चीन को भी इसमें शामिल कर दिया। आपको बता दें कि नेपाल भारतीय इलाके लिपुलेख काला पानी को अपना हिस्सा बता रहा है। अपने नक्शे में भी उसने इसे न सिर्फ दर्शाया बल्कि इस राजनीतिक मानचित्र को कैबिनेट में पास करवा दिया, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल का नया नक्शा जारी करना सीमा संबंधी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किए जाने की द्विपक्षीय समझ के विपरीत है। वहीं मनीषा ने अपने देश की प्रतिष्ठा बचाए रखने की बात कही। मनीषा ने नेपाल के विदेश मंत्री के ट्वीट को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि हमारे छोटे से देश का गौरव रखने के लिए शुक्रिया। मैं सभी तीन महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती हूं। नेपाल के नया नक्शा जारी करने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा ने खुशी जाहिर की। अब मनीषा की टिप्पणी को लेकर भारत की दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने कई ट्वीट किए हैं। स्वराज कौशल ने मनीषा के परिवार से करीबी संबंध और उनसे जुड़ी तमाम यादों का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने भारत नेपाल के संबंध में मनीषा कोइराला को तमाम सबक भी दिए। स्वराज कौशल का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत को नेपाल से शिकायतें हो सकती हैं और नेपाल को भारत के साथ गंभीर मसले हो सकते हैं, लेकिन ये भारत और नेपाल के बीच का मामला है। तुम इसमें चीन को कैसे ला सकती हो? ये हम सबके लिए बुरा है।